तो मियां साहब के आने का उनका अपना कोई इरादा नहीं है जहां तक आपके पास इंफॉर्मेशन है? मियां साहब का हमारा मशवरा ये है और रसूली तौर पे इलाज करवा कर आना चाहिए क्योंकि सीरियस इश्यूज हैं। उसके बाद मियां साहब अगर फैसला करते हैं कि मैं इलाज कराए बगैर आ जाता हूँ, ये उनका फैसला है। वो मैं और आप ना वो फैसला करने की पोजिशन में है, ना हम उनको रोक सकते हैं, ना हम उनको फोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, उनका अपनी सवाबदीद है, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने आप को रिस्क में डालते हैं नहीं डालते। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उनकी आमद का आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी जब बार बार इस तरह के स्टेटमेंट्स देती है तो एक मजाक बन जाता है और एक ऐसी डिस्कशन शुरू हो जाती है जो उनकी बीमारी का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है? जी, वो तो सारे ही उड़ा रहे हैं। टीवी टॉक शो में इस बात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हम एक शख्स की सेहत के बारे में डिस्कशन करें, क्योंकि हम इन्फॉर्म नहीं हैं पूरी तरह, ना आप हैं ना मैं हूँ। लेकिन यहाँ सवाल होते हैं, हर आदमी अपनी बिसात वाले जवाब दे देता है। ये डिस्कशन शुरू तब होती है ना जब कोई कहता है उठ के वो आ रहे हैं। नहीं, उठ के नहीं कहते, सवाल पूछते हैं ना। अच्छा, अब सवाल मैंने भी आती आपसे, हाँ वो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। मैंने भी आपसे आते ये पूछा, हुकूमत ने नौ रुकनी एक बोर्ड बना दिया है जी, वो ये पता करना चाहते हैं कि मियां साहब की रिपोर्टों का जायजा लिया जाए और पता किया जाए कि कहाँ पे, और ये बना है तकरीबन मियां साहब के जाने के सवा दो साल के बाद जी। आप मुतमईन है बोर्ड ठीक काम करेगा? मियां साहब ने क्या करना है, रिपोर्ट उनके सामने उसको पढ़ लें। बोर्ड का क्या है, यह मकाम है, बोर्ड यहाँ बैठा है, पेशेंट वहां पे है। कंपैरिजन करने के लिए कोई रिपोर्ट भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में जब मियां साहब थे तो उनकी तमाम खबरें लैब रिपोर्ट्स के ऊपर चल रही थी कि आज इतने प्लेटलेट्स हैं, आज फलां रिपोर्ट यहां पे आ गई है, ये फलां चीज़ इतनी हाई है, ये इतना लो है, हर चीज़ चल रही थी। लेकिन जैसे ही मियां साहब हीथरो एयरपोर्ट पर उतरे हैं, उसके बाद से लेकर अब तक हमने कोई एक रिपोर्ट ना देखी ना सुनी, ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की गई जी, ना ही रिपोर्ट है। जब यहाँ से गए हैं, लाइफ को थ्रेट था और बड़ा सीरियस थ्रेट था। चार बोर्ड इस हुकूमत ने बनाए, मैंने नहीं बनाए, शौकत खानम से लोग भेजे। एग्जैक्टली, ठीक है, उन चीज़ों चारों ने कहा कि लाइफ को थ्रेट है। जो इंडिकेटर्स हैं, जो लैब रिपोर्ट्स हैं, वो लाइफ को थ्रेट बताती हैं। इस वजह से यहाँ से गए, वहाँ गए, उनका इलाज किया गया, उस तमाम उनको स्टेबलाइज किया गया। इसमें कई महीने लगे, उसके बाद सर्जरीज होनी थी, वो सर्जरीज नहीं हुई। अब वो बात भी करते हैं, खाना भी खाते हैं, चहलकदमी भी करते हैं, टेलीफोन पर भी बात करते हैं, स्पीच भी कर देते हैं जूम पर, तो वो सब चीज़ें हैं, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक हुकूमती तर्जुमान ने तो यहाँ तक कहा कि ये पता करना पड़ेगा कि वो खून किसका था जो लेबॉर्ट्री में भेजा जाता था, और इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। जी करें, अब आप क्या कहें? जी जी, सो बिस्मिल्ला। नहीं, सो बिस्मिल्ला, ये तो गवर्नमेंट कह रही है जिन्होंने खुद टेस्ट करवाए थे। जी मैं यही कह रहा हूँ ना, ये तो हुकूमत की हालत है। चारों टीमें इनकी, शौकत खानम की टीम भी आई। अब कहते जी देखिए, ये वो खूनी मियां साहब का नहीं था। ये 18 मैंने एक दिन गिने थे, 18 लोग हैं, SAPM एडवाइजर फलाने ढींगे, जिनका काम सिर्फ टीवी पर आकर झूठ बोलना है। तनख्वाह हुकूमत से लेते हैं, पाकिस्तान के अवाम से लेते हैं, और सिर्फ काम है झूठ बोलना। ये हुकूमत होती है, पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अंदर 18 लोग हैं जो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स देते हैं। मियां साहब हीथरो एयरपोर्ट पे उतरे थे तो उस वक्त उन्होंने जो जाके वहाँ पे पहले प्लेटलेट्स के टेस्ट करवाए थे, तो कुछ पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर देवर वेटिंग के मियां साहब आ रहे हैं और उनका प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा उनके प्लेटलेट्स डाउन है। तो उन्होंने जब वो रिपोर्ट्स देखी मियां साहब की, तो उसमें प्लेटलेट्स बिल्कुल नॉर्मल थे उतरते ही। ये जो जादू हुआ ना प्लेटलेट्स में, वो रिपोर्ट आज तक ऐसी क्लासिफाइड रिपोर्ट का मुझे इल्म नहीं है, यकीन करें, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट है। आपको पता नहीं है? लेकिन ना पता है ना ऐसी है, ऐसी होती तो जरूर आज टीवी की जीनत बन चुकी होती। क्लासिफाइड है ना सर, फिर क्लासिफाइड? क्लासिफाइड कहाँ पे क्लासिफाइड है? क्लासिफाइड से पता कैसे है लोगों को, फिर स्पेकुलेशन क्यों कर रहे हैं? वो तो डॉक्टर का इल्म ना, डॉक्टर को गैब का इल्म जानते हैं। नहीं नहीं, वो तो रिपोर्ट देख के ही बताएंगे ना। तो रिपोर्ट फिर क्यों स्पेकुलेशन क्यों कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी? नॉर्मल नहीं, मैं कह दूं बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। मियां साहब जब गए तो एग्जैक्टली वहां पे ऐसी रिपोर्ट आई जैसे पाकिस्तान में ये रिपोर्ट थी। दो दिन में बदलती नहीं है, 2-4 हज़ार पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकती है, इतनी जाएगी। मार्च से पहले मियां साहब की वापसी के इम्कानात का इजहार किया जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च, ये हुकूमत या अपोजिशन का सारा मोमेंटम ये इसलिए बन रहा है कि मियां साहब के आने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। इन दो चीज़ों को जोड़ के देखना चाहिए या अलग अलग? नहीं, इनका कोई ताल्लुक नहीं आपस में। सेहत और सियासत अपनी जगह पर है। इसका फैसला कि सियासत करनी है सेहत के नुकसान पर, ये फैसला मियां साहब कर सकते हैं, गौर नहीं कर सकता, बस मियां साहब ही करेंगे। ये फैसला मियां साहब का है।
सेहत उनकी है, जिंदगी उनकी है, ये फैसला वही करेंगे कि ठीक है मैं इलाज नहीं कराता, मैं जाके सियासत करूं। पार्टी में कोई डिमांड होती है कि मियां साहब आ जाएं? बिल्कुल डिमांड नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई डिमांड नहीं। हमारा बिल्कुल बड़ा वाजे उनको मशवरा है कि इलाज करवा कर आए, इससे पहले वापस ना आए। बिल्कुल मत आए। अगर वो बीमारी रहते हैं और इलेक्शन आ जाते हैं, उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता, तो इलेक्शन के लिए आएंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे, या वहीं पर रहें? ये मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि इलाज करवा कर आए, लेकिन फैसला उनका है।